आज जो एक इंफॉर्मेशन के मुताबिक सर अपना ना कुर्ती का साइलेंस है ना आज जो एक इंफॉर्मेशन के मुताबिक अपना स्पेशल ऑपरेशन टीम रमना रेड्डी और एसओडी इंस्पेक्टर पुलवाम का टीम और अतापुर इंस्पेक्टर यादगिरी पुलवाम का टीम अपना मिलके एक ऑपरेशन में अपना अतापुर लिमिट्स में एक रुणाल दास विजय प्रदीप सत्यनारायण सावित्रा और रुणाल दादा ये अपना कस्टडी में A22 A7 उसके A8 A9 जो है प्रदीप सोलंकी और बाला वर्कर ये दो जने अभी एक्सपॉन्डिंग में है और रुणाल दास भी एक्सपॉन्डिंग में है। ये लोग अपना परमपुर ओडिशा डिस्ट्रिक्ट से गांजा लेके पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम यूज करते हुए ये हैदराबाद पहुंचे हैं अपना अतापुर लिमिट्स में। यहाँ से जो है वो लोग अपना बीड के तरफ जाने का है महाराष्ट्र स्टेट में। ये गांजा जो स्मगलिंग कर रहे हैं लोग पैसे के लिए एक चूड़ी बेचने वाले चूड़ियाँ बेचने वाले उसके ऊपर डाल के पूरा ऐसा मुद्दा बना देके ये लोग ये गांजा ट्रांसपोर्ट कर रहे। अपन 3-4 दिन के पहले अपना मेलाडोरमली पुलिस स्टेशन में भी 80 किलो का गांजा पकड़े थे। इसमें भी ये जो लोग हैं परभनी जालना और बीड डिस्ट्रिक्ट की लोग है ये लोग वहाँ जाल लेके जाके जो 5,000 की चीज़ यहाँ खरीद करते हैं वो 20-25,000 किलो से वहाँ बेचते हैं। ये पूरा जुमला मिला के अपना 26 लाख रुपये का वर्थ सीज करे थे। 2 मोबाइल फोन्स भी है ये लोगों को अदालत में पेश करेगा। बाकी जो है बाकी है वो लोगों को भी अरेस्ट कर देगा। और एक आपके माध्यम से मैं एक अपील करना चाह रहा हूँ जो बारिश की मौसम बहुत बारिश गिर रहे हैं दो दिन से नॉन स्टॉप बारिश आ रहे हैं। अपना बाहर देखें तो मौसम अभी भी और 2 दिन और 3 दिन ये मौसम ऐसे रहता बोल के अपना वेदर रिपोर्ट बता रहे थे उसके नज़रअंदाजा रखते हुए हमारा पुलिस लैंड ऑर्डर और ट्रैफिक साइबराबाद पुलिस की तरफ से सबसे विनती है जहाँ भी वाटर लॉगिंग हो रहे वहाँ ये मैनुअल्स नहीं निकालना है। पानी जाने के लिए अगर मैनुअल निकाल के कोई चले गया उसको जो भी बच्चे लोग आते हैं लोग जाते हैं वो नज़रअंदाज से मीडिया का मान जाता है। वैसा एक इंसिडेंट भी नहीं होना है। JHMC ऑफिशियल्स है अपना NDRI टीम्स भी है पूरा ग्राउंड पे काम कर रहे और JHMC वाले भी देख रहे सिचुएशन को एसेस कर रहे सब लोग आपस में बैठ के अपना सिचुएशन को एसेस कर रहे वैसे पुलिस पूरा फील्ड पे